नेक्स्ट क्वेश्चन 2013 का सवाल है क्वेश्चन सेज अ चार्ज स्मॉल क्यू इज़ प्लेस एट द सेंटर ऑफ लाइन ज्वाइनिंग टू इक्वल चार्जेस टू टू इक्वल चार्जेस ऑफ वैल्यू कैपिटल क्यू सिस्टम ऑफ द थ्री चार्जेस विल बी इन इक्विलिब्रियम ए स्मॉल क्यू की वैल्यू इनमें से कोई एक होएगी तो हमारे ऑप्शन है माइनस क्यू बाय फोर माइनस क्यू बाय टू या फिर प्लस क्यू बाय फोर या फिर प्लस क्यू बाय टू नाउ सिचुएशन ये है कि आपके दो कैपिटल क्यू चार्जेस रखे हुए हैं लेट्स से ए पॉइंट और ये आपका बी पॉइंट यहाँ पे आपने प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है यहाँ आपने प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है और ठीक सेंटर पे आपने एक छोटा क्यू चार्ज रख दिया है ठीक है और हमें बताना है कि छोटे चार्ज की क्या वैल्यू हो कि तीनों चार्जेस को जब आप इंडिपेंडेंट छोड़ दें तो सिस्टम आपका स्टेबल रहे राइट तो एक काम करते हैं इसका डिस्टेंस यहाँ पे आर और यहाँ पे आर मान लेते हैं इसको हम अगर आर मानते तो आर बाई टू आर बाय टू होता थोड़ी कैलकुलेशन लंबी हो जाती पर इसको हमने आर और आर मान लिया है ठीक है तो यहाँ से यहाँ तक आर यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस आ रहा नाउ हमें किसी भी एक चार्ज के ऊपर अगर फोर्स निकाल के उसको इक्वल टू ज़ीरो कर दें तो अपने सिस्टम की इक्वलिव्रियम को चेक कर सकते हैं तो लेट्स से इस चार्ज के ऊपर फोर्स जीरो है सो so, हम कह रहे हैं सिग्मा एफ नेट ऑन दिस कैपिटल चार्ज क्यू इस वाले चार्ज के ऊपर किसी के ऊपर भी ले सकते हैं सो so, हमने इसके ऊपर ले लिया विल बी इक्वल टू जीरो तो so, इसके ऊपर जो फोर्सेज लगेंगे तो so, इसके ऊपर फोर्सेज इस चार्ज की वजह से आएगा के क्यू क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस इसकी वजह से जो फोर्स आएगा वो होगा के क्यू क्यू डिवाइडेड बाय टू आर का स्क्वायर नाउ दिस इज़ इक्वल टू ज़ीरो सो इसको अगर हम एक्सपेंड करेंगे इसको उस तरफ लेके जाएं क्यू की वैल्यू आ जाएगी सो so, के क्यू क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर माइनस के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय फोर आर स्क्वायर ना तो आज को आर विल गेट कैंसल्ड ए क्यू कैंसल हो जाएगा के कैंसल हो जाएगा सो so, इसका मतलब हम कह सकते हैं क्यू की वैल्यू हो जाएगी माइनस क्यू बाय फोर सो विच मीन्स ऑप्शन नंबर ए माइनस क्यू बाय फोर वुड बी द राइट आंसर